हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वेज रेस्टोरेंट लेकर आया हूं, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अलग से थीम पे है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस रेस्टोरेंट को। ये देखिए, इस रेस्टोरेंट का नाम श्री कृष्णा प्योर वेज रेस्टोरेंट है। तो आइए चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि कैसा है ये श्री कृष्णा प्योर वेज रेस्टोरेंट और क्या क्या यहाँ पे खास है। मैंने सुना है ये जो रेस्टोरेंट है ये पूरे राजस्थानी थीम पे बना हुआ है और यहाँ पे राजस्थानी डिशेस मिलती हैं। तो आइए आज हम भी चलते हैं और देखते हैं कैसा है ये रेस्टोरेंट। बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए, ये एंट्रेंस है, सेकंड फ्लोर पे है ये श्री कृष्णा प्योर वेज रेस्टोरेंट। खुशबू बहुत सुंदर है, हाँ बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। ये देखिए बहुत ही, हाँ ये तो मैंने दिखाया, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है। और इस साइड में देखिए, दोनों साइड में इस टाइप के कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। आइए अंदर चलते हैं, पहले तो मैं आपको बाहर का दिखाऊं। ये देखिए पूरा एकदम राजस्थानी लुक है। ये देखिए एंट्री के साथ ही पगड़ी से यहाँ पे स्वागत किया जाता है। तो खुशबू को ये मैम पगड़ी पहनाई, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सच में। यहाँ पे ये देखिए बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है पूरे राजस्थानी लुक में। तो इस म्यूजिक का आप भी आनंद लीजिए। सही बात। इस रेस्टोरेंट का बहुत ही प्यारा सा लुक है। इस साइड में मॉकटेल्स के लिए बनाया हुआ है काउंटर। आइए मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा सा लुक है। यहाँ की कारीगरी देख के तो मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो गया, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें यहाँ देखने को मिल रही है। बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देखिए इस टाइप का हर तरफ दीवार में लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए राधा कृष्ण जी का कितना बढ़िया सीनरी लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं जो बहुत ही बारीक है। ये देखिए यहाँ पे ये कितना अच्छा सीनरी लगा हुआ है, अद्भुत। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये सब कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा इंटीरियर इनका डिज़ाइन किया हुआ है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये पूरा इनका जो रेस्टोरेंट है। और इसके बाद मैं यहाँ पे आ गया और इनका इतना बढ़िया म्यूज़िक चल रहा था कि मैं एकदम इसमें डूब गया और आराम से बैठ के सुनने लगा, इसका आनंद लेने लगा। तो आप भी यहाँ पे आइएगा तो कुछ अलग अनुभव होने वाला है आपको, लाइव म्यूज़िक पूरा राजस्थान वाला। तो ये देखिए हम लोग आ गए जिस टेबल पे हम लोग खाना खाएंगे और बहुत ही प्यारा सा लुक है यहाँ का, है ना खुशबू। और खुशबू तो एकदम राजस्थानी लग रही है, राजा महाराजाओं वाला फील ले रही है अभी। खुशबू कैसी लग रही है पगड़ी में, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत अच्छी। ये देखिए, तो हमने ऑर्डर कर लिया है, हमने प्रीमियम वेज थाली ऑर्डर किया है, तो अब वेट कर रहे हैं हम। ये देखिए सबसे पहले हमारा वेलकम ड्रिंक आया है, जो कि बहुत ही प्यारे से ग्लास में सर्व किया गया है। सही में बहुत ही ज़्यादा रॉयल लुक आ रहा है। तो ये हम लोगों के लिए वेलकम ड्रिंक आया है, चलो टेस्ट करो। ये किस टाइप का टेस्ट है, मतलब क्या है ये? मैंगो फ्लेवर। अच्छा, मतलब मैंगो जूस टाइप का कुछ है।
वेलकम ड्रिंक में मैंगो फ्लेवर में एक बार दिखाओ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और देखने से भी लग रहा है कि मैंगो से ही बना हुआ कुछ चीज़ है। तो तुम्हें कैसा लगा खुशबू? अच्छा है ना। तो चलिए अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि वेलकम ड्रिंक यहाँ का कैसा है। बहुत ही प्यार से इसको सर्व किया गया है। ये जो ग्लास है बहुत ही यूनिक है, मैंने नहीं देखा इससे पहले कहीं पे ऐसा, और बहुत वेट है इसमें जो एकदम रॉयल लुक आ रहा है पूरा। है ना, बहुत ही अच्छा सा एक लाइट सा फ्लेवर आ रहा है मैंगो का, जो कि अल्टीमेट है। मज़ा आ गया पी के। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सच में। तो वेलकम इतना अच्छा हुआ है तो देखते हैं कि खाने में क्या क्या आता है। और ये देखिए हमारा खाना आ गया है, बहुत ही बढ़िया से ये पीतल के प्लेट में परोसा गया है इसको। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। और ये देखिए राइस भी आ गया है इसमें। सर क्या क्या है एक बार बता दीजिए ना। ये आलू जीरा है, आलू जीरा साइड बटर मसाला, किलो दाल तड़का, वेज हल्पेजी, एक खीर है आपका, ग्रीन सैलेड है और वेज कबाब है, तंदूरी। अच्छा, पापड़ भी आएगा। पापड़ भी आएगा। और ये देखिए हमारा पापड़ भी आ गया इस थाली में। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। तो सबसे पहले रोटी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो टाइप का रोटी है, एक तो नान है नॉर्मल बटर नान, और उसके ऊपर आया ये प्रीमियम थाली का कुलचा है। तो चलिए देखते हैं इसमें स्टफिंग किस चीज़ की है। ये देखिए आलू और वेजिटेबल्स हैं, आलू है, हाँ, गाजर वगैरह है इसमें। तो वेजिटेबल्स का इसमें स्टफिंग है। इसके बाद आलू की सब्जी है, जीरा आलू, और ये है बटर पनीर मसाला, दाल है, मिक्स वेज है, खीर है, और सलाद है, और ये पापड़ है, और ये हमारा, हाँ ये तो वेज पुलाव है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब चलिए खुशबू आपको बताएगी कि कैसा है टेस्ट यहाँ का। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं स्पेशल जो इनका प्रीमियम थाली का कुलचा है, तो उस कुलचे के साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ आलू जीरा। स्टफिंग बहुत अच्छा किया हुआ है इसमें। ये देखिए बहुत अच्छा है, जो इनका कुलचा है बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रहा है, और थोड़ा सा क्रंची भी है, तो मज़ा आ गया खा के। और आलू जीरे का भी टेस्ट बहुत अच्छा है, एकदम एक होता है ना प्लेन सा टेस्ट होना, बहुत ही अच्छा था, तो वैसा कुछ टेस्ट है। कुलचा को एक बार पनीर के साथ टेस्ट करते हैं। ये देखिए अब इसे पनीर के साथ टेस्ट करते हैं। मज़ा आ गया पनीर के साथ, चार चांद लग जा रहे हैं कुलचे में, बहुत अद्भुत है। अब मैं खीर को टेस्ट करता हूँ, और खीर के लिए मैं प्लेन नान लूँगा। वाह, खीर बहुत ही थिक है, बहुत ही गाढ़ा है। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा, फिर तो अल्टीमेट है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है,
मेरा खीर वैसे भी फेवरेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि खुशबू टेस्ट करती है चावल, तो वो टेस्ट करके आपको चावल बताएगी ये कैसा है, ये जो पुलाव है ये कैसा है। ये देखिए, ये पनीर है और काफ़ी सारे वेजिटेबल्स हैं, स्वीट कॉर्न है, मटर है, बीन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। हम ट्राई करते हैं। तो अब ट्राई करते हैं पुलाव। चने का दाल बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सादा भोजन है और टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छा है। मज़ा आ गया खा के, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। चलिए अपना पूरा खाना कंप्लीट कर लेते हैं, फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए एक बार, अगर रांची में हैं आप तो आए हैं या फिर यहीं पे रहते हैं तो यहाँ पे एक बार आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा अनुभव होगा आपको, बहुत ही अच्छा अलग टाइप का एक वाइब है यहाँ पे, पूरा राजस्थानी खाना, वही टेस्ट राजस्थान का और प्योर वेज है एकदम। ये जैसा कि नाम ही है इसका, श्री कृष्णा प्योर वेज रेस्टोरेंट। तो अगर आप भी वेजिटेरियन हैं तो एक बार ज़रूर आइए। चलिए, हमने बहुत सारा ख़त्म कर लिया, अब थोड़ा सा है तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। खाना हमने कंप्लीट कर लिया और सब कुछ बहुत अच्छा था, और यहाँ पे एक और थाली है जिसमें आप रिफ़िल करा सकते हैं जितने मर्जी उतने बार, लेकिन हमें ज़्यादा खाना नहीं था इसलिए हमने मतलब लिमिटेड लिया, और ये इसमें भी भरपूर था खाना और हमारा कंप्लीट हुआ खाना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।